मित्रों प्रणाम, आपका स्वागत है चैनल ओम के कार्यक्रम तंत्र मंत्र व यंत्र में। मैं आपका साथी आपका आचार्य आशीष कृष्ण आपके लिए लेकर आया हूँ मूठ करने का विशेष प्रयोग। मूठ छोड़ने का क्या प्रयोग है, मूठ कैसे छोड़ी जाती है, ये प्रमुख मानव मंत्रों में से है। तो इसलिए आपसे मेरी विशेष प्रार्थना है कि आप इस मंत्र का तब तक उपयोग ना करें जब तक कि आपके प्राण स्वयं संकट में ना हो और कोई उपाय ना हो आपको संकट से बचने का। बाकी आपके विवेक पर निर्भर है। ये मूठ छोड़ने का बड़ा ही सजीव शावर मंत्र है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो देखिए अपने स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मंत्र। ओम नमो वीर तो हनुमंत वीर, सूर्य का तेज शत्रु की काया, अधीठ चक्र देवी कलिका चलाया, चल रे वादी न कर बाद में करियो तेरे जीव का घात, मैं ना डरूं तेरे पीर सू, मारूं ताने एक तीर सू, मेरा मारा ऐसे घूमे जैसे भुजंग की लहर परे, तो ही गिरता मारो बाण, फेरी चलो यति हनुमान की आन, शब्द साचा पिंड काचा, पुरो मंत्र ईश्वरो वाचा। ओ मित्रों, ये बड़ा अचूक मंत्र और शावर मंत्र मैं आपके लिए क्यों लेकर आया हूं, इसका भी कारण है कि कुछ हमारे दर्शकों ने ये मांग की है कि गुरुजी कुछ ऐसे मंत्र और साधन बताइए जो घर में ही उपलब्ध हो जाएं, जिनके लिए हमको शमशान आदि ना जाना पड़ जाए, तो कुछ ऐसा सरल उपाय बताइए। तो मैंने उन्हीं के लिए ये सरल उपाय बताने की कोशिश की है। सरल है परंतु इसका वार बड़ा घातक है मित्रों। ये बड़ा ही तीक्ष्ण मंत्र है, शावर मंत्र है। इसका आपको शनिवार के दिन 51 मालाएं करके इसको सिद्ध कर लेना है। उसके बाद उड़द की काली और साबुत दाल को हाथ में रखकर 51 माला पढ़कर उस उड़द की दाल पर फूंकें और जो शत्रु है आपका उस पर फेंक कर मार दें, तो जो आपका शत्रु है वही पछाड़ खा के गिर पड़ेगा और फिर कभी उठेगा ही नहीं। ये सबसे दुष्कर बात है इस मंत्र की कि बड़ा सरल है लेकिन इसका परिणाम बड़ा घातक है। तो ये आपके विवेक पर है कि आप इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको ये मंत्र दिया है, आशा करता हूँ कि आप इसका उपयोग सही जगह पर ही करेंगे। अगली सभा में आपसे मैं फिर मिलूंगा। उससे पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, तथा आप अपने कमेंट्स और लाइक के द्वारा मुझे इस मंत्र के बारे में सूचित करें। अगली सभाओं में आपसे फिर भेंट करूंगा। तब तक देखते रहिए तंत्र मंत्र व यंत्र व कुछ अनसुनी अनकही कहानियाँ। नमस्कार।